श्री मुंबई जैन संघों के करीब 1100 से ऊपर मंदिर ट्रस्ट उसका कन्वीनर हूँ। सबसे पहले कुमार भाई जोशी, वो वेस्टर्न लाइन के एग्जीक्यूटिव और कन्वीनर हैं। हमारे स्नेहल भाई, वो भी वेस्टर्न लाइन के बांद्रा से लेके दहीसर तक के कन्वीनर है अप टू वसई विरार। ये विपुल भाई जो ईस्टर्न लाइन सेंट्रल लाइन घाटकोपर से लेके मतलब कि माटुंगा से लेके लोम्बीवली तक और न्यू बॉम्बे के ये कन्वीनर है। ये कमलेश भाई शाह जो हमारी लीगल टीम के कन्वीनर है। ये जो सारे तीर्थों का मामला चल रहा है उसका लीगल सारा भी है, उनका ये कैप्टन है। और ये पूजा बेन हमारे साउथ बॉम्बे की एग्जीक्यूटिव है और कन्वीनर है। सबसे पहले आज तक इतिहास के अंदर कभी आपने देखा नहीं होगा कि जैनों ने इतनी रैलियां और महारैलियां निकाली, लेकिन कुछ साल पहले हमारे सभी मंदिरों ने नक्की किया कि हम सब एकजुट होके कभी भी धर्म के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, सभ्यता के ऊपर, स्टेट के ऊपर, कोई भी अगर राष्ट्र के ऊपर आपत्ति आती है तो एकजुट होकर हम ये सबकी रक्षा करेंगे। इस वादे के साथ करीब करीब हमारे 1100 से प्लस ट्रस्ट है और मंदिर है, तो एकजुट होके इस दो तीर्थ का हमारा मामला था। एक का बिहार झारखंड के अंदर श्री समेत शिखर जी और दूसरा था पालीताना गुजरात के अंदर। समेत शिखर जी का मामला सबको विदित है, जिसका ऑर्डर कल गवर्नमेंट की तरफ से बाहर आया, जो जैनों की भावनाएं थी उसको उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये मामला इतना संगीन था, इतना गमगीन था, जैनों की वेदना और संवेदना इतनी भारी थी कि किसी को भी विदाउट एनी इंस्पिरेशन जब हमारे बम्बई के 1100 संगठन की तरफ से एक आदेश जारी किया तो करीब करीब बम्बई के 9 रीजन के अंदर 7 से 8 लाख लोग सैटरडे संडे मंडे और मंगलवार की 4 रैली अलग अलग 10 रैलियाँ हुई, 7.5 से 8 लाख लोग उसमें जमा हुए। तो ये हमारी जो भावना है एकजुट रह के सारे राष्ट्र की, सारे धर्मों की, सारी सभ्यता की रक्षा करना और संस्कृति की रक्षा करना। और अंतिम बात मैं बताऊँगा कि सारा मामला जो अच्छी तरह से निपट रहा है, जिसका कल आदेश बाहर निकाला सेंटर ने और झारखंड की सरकार ने, हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन राष्ट्र के हमारे प्राइम मिनिस्टर, हम मोदी से धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरह कोई भी चीज़ को बीच में लाए बिना, कोई पॉलिटिक्स को लाए बिना, उन्होंने समेत शिखर जी का मामला जो जैनों के फैसले में समेत शिखर की पवित्रता को कायम करने के लिए लिया, उसके हम बहुत आभारी हैं। श्री आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, प्रणाम। जैसे आप जानते हैं पालीताना में जो अभी इश्यू चल रहा है वहाँ पे हमारी सालों से जो पेड़ी है शेठ श्री आनंद जी कल्याण जी पेड़ी, जो बहुत ही सुंदर व्यवस्था करती है। अब आपको एक जानकारी देने के लिए कि हम आजू बाजू के जो गाँवों है, सब गाँव है, तकरीबन 12 गाँवों में अभी हम लोग वहाँ के जो छोटे बच्चे हैं उनकी, उनको स्कूल की फीस के बगैर सब तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर रूम्स है, वहाँ पे वाईफाई की अवेलेबिलिटी है, वहाँ पे हमने स्कूलों में बहुत सारे शेड्स करके दिए हैं। हमारा एक शत्रुंजय युवक मंडल है, उसके बहुत सारे मेंबर्स है ऑल ओवर फ्रॉम द इंडिया जो वहाँ पे जाते हैं और ये पीढ़ी के तरफ से बहुत सुंदर व्यवस्था करते हैं। वहाँ उनको पढ़ाना है, उनके लिए शेड्स बनाने हैं। आज 4 गाँव में हम लोग की क्लिनिक चालू हुई है, जो जहाँ पे डॉक्टर्स है उनके हेल्थ का सबका ध्यान रखते हैं। वुमन एम्पावरमेंट, जो वुमेन्स है उनके लिए हम लोग ने जितनी स्कीम्स निकाली है आप सोच भी नहीं सकते हो, गवर्नमेंट के साथ रह के। आज जो कोरोना हुआ तो कोरोना में गांव-गांव जाके
हम लोग ने उन लोग को कि भाई ये चीज में आप कैसा काम करेंगे, कैसे घर पे रहेंगे, आपके हेल्थ की हेल्थ से आप आपकी और आपके परिवार जनों की कैसे रक्षा कर पाएंगे, उसका भी हम लोग ने बहुत सारे कैंपस कैनवासिंग किया, कैंप्स भी किए। और आप लोग ये तो जानते ही रहेंगे कि जैन कम्युनिटी इज फॉर द होल ऑफ द कम्युनिटी, नॉट ओनली फॉर जैन्स। आप कोई भी एपिडेमिक लीजिए, जैसे कि फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, ड्रॉट हो, तो सबसे पहले आप जानेंगे और समझेंगे, आप मीडिया से है तो मुझे ज़्यादा नहीं बताना है कि वी विल बी द फर्स्ट टू रीच ओवर देयर। हम लोग सबसे पहले पहुँचेंगे और सबकी फास्टेस्ट वहाँ पे कि हम लोग कैसे मदद रूप हो सकते हैं, फिनेंशियली, फूड, कपड़े, सब के लिए हम लोग की कम्युनिटी इज ऑलवेज रेडी फॉर एनी सच एपिडेमिक्स। अभी वही लेते हैं, उसके ऊपर आते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन दैट। देखिए, श्री मुंबई जैन संगठन ने जो 1 जनवरी को या मुंबई में जो रैली आयोजित की गई थी, उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। एक तो शिखर जी, जो झारखंड गवर्नमेंट के अंडर में आती है, और एक हमारा शत्रुंजय गिरिराज पर्वत जो पालीताना गुजरात में आता है। ये 2 मुख्य उद्देश्य थे इस रैली के। उसमें से 19 जो मुद्दे थे हमारे, जो गिरिराज शत्रुंजय से रिलेटेड थे, उस रैली के माध्यम से हमने वहाँ के हमारे जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है श्री गोपाल जी शेट्टी, उनके और हमारे साउथ बॉम्बे के जो रैली थे, उन्होंने राज्यपाल श्री को हमारा निवेदन देके हमारी अपील वहाँ तक पहुँचाई हुई है। और समित शिखर जी का तो आप सब लोग देख ही रहे हो कि इस रैली का इम्पैक्ट इमीडिएट कैसे आया हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे जैन धर्मियों के लिए और सब धर्मियों के लिए कि जहाँ ऐसे अतिक्रमण या कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जो एक्टिविटीज हो रही थी, उस पर यह एक्शन गवर्नमेंट ने तुरंत ली, और जो हमारा पवित्र वहाँ नष्ट करने की कोशिश की जा रही थी, हम तो ये बोलेंगे शायद अनजाने में की जा रही थी, तो वो झारखंड गवर्नमेंट ने भी अभी सारे जो उन्होंने नोटिफिकेशन मंत्रालय ने खुद जारी करके उसको पर्यटन क्षेत्र रद्द किया गया है। लेकिन अभी भी वो संघर्ष हमारा वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। हमें झारखंड जो समित शिखर जी है उसको पवित्र तीर्थक्षेत्र जाहिर करना, ये हमारी मांग है वहाँ पे। और जो हमारे पालीताना के भी जो मुद्दे हैं शत्रुंजय गिरिराज के, वो भी अभी क्लियर हुए नहीं है। कोई ऐसे ही 1-2 जन को अरेस्ट करके वो क्लेरिफिकेशन आ रहा है, उससे हमारा समाज आज भी जैन धर्मीय आज भी सेटिस्फाई नहीं है। तो ये रैली के मेन उद्देश्य ये थे कि वो जो इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ हो रही है असामाजिक तत्वों द्वारा, उसका राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनका ध्यान केंद्रित करके प्रशासन पे, ये हम बताएं कि प्रशासन इस पर त्वरित एक्शन लेके इस एक्टिविटीज़ को रोक दे और इस पर प्रतिबंध लगाए। धन्यवाद। पालीताना, पालीताना में हमारा गिरिराज एक परम पवित्र तीर्थ है। गिरिराज को इटसेल्फ परम पवित्र कहा है। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके ऊपर, गिरिराज के ऊपर जो शिखर है, हमारे मंदिर है, वो तो परम पवित्र है, लेकिन उसका एक एक पत्थर, उसका एक एक रजकण, वो परम पवित्र है। हमारे यहाँ जो बुजुर्ग यात्रा नहीं कर सकते हैं, वो कोई भी कूना पत्थर पकड़ के उसकी पूजा करते हैं। तो इस पत्थर पे अगर माइनिंग की इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, तो वो पत्थर पे नहीं, हमारे जैन समाज के लाखों लोगों के हृदय पे हो रही है। कैसे हम गिरिराज को टूटता देखे, कैसे हम गिरिराज को कटता देखे। लैंडस्लाइडिंग पहले भी हुआ है और आगे होने का भी खतरा है। हमारे पूरे ऊपर के गट को खतरा है। ऐसे में हम हमारे मंदिर का खतरा कैसे देखें। ये बाबत की बहुत सारी कंप्लेन माइनिंग और मिनरल कंसर्न डिपार्टमेंट में ऑलरेडी दे चुके हैं। टेम्परेरी बंद होता है, फिर वापस शुरू होता है, वापस बंद होता है, वापस शुरू होता है, विद द एविडेंस वी हैव गिवन दैट। ये हमें परमानेंट बन चाहिए। गिरिराज टूट रहा है, गिरिराज खोल रहा है। यह रिजर्व फॉरेस्ट गोचर की जमीन है, यहाँ माइनिंग ऑफेंस नहीं गिना जाएगा क्या? डूंगरपुर, जीवापुर, रोहितशाला, गंदौल, घेटी एक्सेट्रा, गिरिराज की बाउंड्री पे सब जगह माइनिंग हो रहा है। हमारी ये बाउंड्रियों की रक्षा होनी चाहिए। माइनिंग के लिए CCTV फुटेज भी है, लेकिन जो ट्रक्स आ रही है उसमें नंबर प्लेट नहीं दिखा जा रहा है।
इसलिए हम आगे कहाँ कुछ पकड़ नहीं सकते। ये मिट्टी कहाँ जाती है? ये मिट्टी नहीं है, ये अनंत सिद्धों की निर्वाण भूमि है। ये हमारे लाखों जैनों पे ट्रैक्टर चलता है, ये मिट्टी पे नहीं चल रहा। गोचर संरक्षित वन वाइल्ड लाइफ बॉडी सोइल प्योर फ्यूल इकोसिस्टम खत्म हो रहा है, फुल इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। यह गिरिराज जहाँ हम अन्न का एक दाना भी नहीं लेते, जहाँ हमारे छोटे छोटे 8 साल के बच्चे से 1000 लोग 2 दिन बिना पानी पिए 3500 स्टेप्स रोज चढ़ते हैं, रोज उतरते हैं। क्यों पानी नहीं पीते हैं? क्योंकि परम पवित्र है वो गिरिराज पे मदिरा सेवन, वो गिरिराज पे दारू की भट्टियाँ। गुजरात जो ड्राई स्टेट किया है उसे हम सलाम करते हैं, वही गुजरात ड्राई स्टेट में हमारे प्राण प्रिय गिरिराज पे दारू की भट्टियाँ हो रही है। हमारी बहनों, हमारे साध्वी जी भगवंत आज कितने खौफ में ऊपर चढ़ते हैं वो हम लोग जानते हैं। ये एक खतरा है। क्यों हम व्यसन मुक्त पालीताना नहीं दे सकते? क्यों हम नहीं देखते सेहत बिगड़ती है, गरीबी बढ़ती है, फैमिली लाइफ टूटती है, देश का विकास कम होता है? हमारी सरकार से यही अपील है, ये सब दूषण दूर करें और तीर्थ रक्षा में हमारी सहायता करें। मीडिया वाले भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं, आप लोगों ने हमारी बात जन जन तक और सरकार तक पहुंचाई है और उस बात की वजह से आज हमें रिजल्ट भी मिलना शुरू हुआ है, उस बात के लिए मैं आपका आभारी हूं। आप सबको प्रश्न होगा मन में और जो भी जनता सुनती है उनको प्रश्न होगा कि ये जैन लोग एक हमेशा से एकदम शांति प्रिय है, भाईचारे वाले है, वो लोग रस्ते पे कैसे आए? तो वो जो मुख्य बात है जो पूजा बेन ने बताई वो सब तकलीफ है तो हमारे गिरिराज शत्रुंजय पालीताना में है ही, लेकिन उसके पश्चात दूसरी 3 चीजें अभी हुई है। एक तो रोही साड़ा जो पालीताना गिरिराज के अंदर ही आता है, वो गांव के ऊपर चढ़ने का जो रास्ता है उसमें हमारे भगवान ऋषभ देव के जो पगले है पगला उनको खंडित किया गया। हम वो पगला को भगवान स्वरूप मानते हैं और हमारे भगवान को जब कोई ऐसा खोद के निकाल के उनके ऊपर करते हैं तो हमको लगता है कि कोई उनकी हत्या कर रहा है। वो जो बात है सबके दिल में चुभ गई। दूसरी घटना फौरन हुई, जो हमारा गढ़ विस्तार जो है ऊपर, जहाँ सैकड़ों मंदिर 800 मंदिर है हमारे, और 800 मंदिर का जो इलाका है उसके अंदर हमारे ही स्थान के ऊपर हमने लगाया हुआ बोर्ड वीडियो उतार के कि भाई हम उतार रहे, ऐसा करके उतारा गया। और जो हमने हमारी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाने के लिए जो खंभे लगाए थे वो खंभों को भी तोड़ा गया। इतना ही नहीं, लोगों के सामने दिखाया गया कि भाई हम ये सब कर सकते हैं, आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसा जो दिखाने की बात हुई। और जो सबसे ज़्यादा आहत करने वाली बात, हम हमारे गुरु भगवंत जो एकदम साधु साध्वी जी भगवंत एकदम पवित्र उनका जीवन है आप सब जानते हैं, उनसे इतना अभद्र व्यवहार किया गया वो सब आपके सामने में बयां भी नहीं कर सकता। वो सब देख के लोगों के दिल में जो चोट पहुंची उसका आक्रोश गली गली में जो आया है, 90 रैलियां निकल चुकी है जो नितिन भाई ने बताया, 15 से 20 लाख लोग ऑलरेडी सड़क पर आ चुके हैं और दूसरी 25 रैलियां बहुत थोड़े दिनों के अंदर निकलने वाली है। अभी सरकार ने कदम उठाने शुरू किए हैं, लेकिन दूसरे जो प्रश्न है आपको और बता दूं, जैसे ही हम पालीताना में ऊपर जाते हैं तो इतना अवैध रूप से एनक्रोचमेंट हुआ है, जैसे स्टार्टिंग में एंट्री मारेंगे तो एक 6x6 का मंदिर था वो आज की तारीख में 35,000 फुट का बन गया है। और वो बनने की वजह से उधर इतनी गैरकानूनी प्रवृत्तियाँ होती है, जैसे पूजा बेन ने बताया छोटे से छोटा बच्चा ऊपर अन्न का दाना भी नहीं खाता है, वो जगह में गैरकानूनी प्रवृत्तियां होती है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे और उधर वो जगह की वजह से हमारे जो सरस्वती माता का मंदिर है उधर हमारे बुजुर्गों को वगैरह को जाना है तो बहुत तकलीफ पड़ती है, छोटी सी जगह दी है ट्रेस पासिंग के लिए जाने के लिए, और ऊपर जरा जाएंगे तो सामने अपना घर का मकान तक बना दिया है उस अवैध रूप से किसी ने, तो वो मकान के अंदर क्या कुछ नहीं होता है, परिवार बढ़ता है, सब कुछ होता है,
और ऊपर जाएंगे तो गढ़ विस्तार जो मैंने बताया 800 एकड़ का 800 मंदिरों का है, उसके अंदर भी 2 एकड़ जमीन कब्जा करने की मंशा रखते हैं, उनका प्रयत्न हो रहा है। ये सब बातों से सब विचलित होकर उनकी बार बार कंप्लेंट कंसर्न डिपार्टमेंटों को देने के बावजूद, माइनिंग डिपार्टमेंट की भी बार बार कंप्लेंट माइनिंग की भी देने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं दिखा, तब लोग रास्ते पे आए और सरकार श्री को बात पहुंचाई गई। लेकिन अभी और एक बात और बताना चाहूँगा कि हमारी जो भी मांगे हैं एकदम न्यायिक मांगे हैं। गुजरात का जो उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने जो एक साल पहले जो जजमेंट दिया है, हम खाली ये कहना चाहते हैं वो जजमेंट का पालन हो। उन्होंने हमारे जो धार्मिक अधिकार जो परापूर्व से चले आते हैं उसको मान्यता दी है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये फैसले को बरकरार रखा है। तो ये हमारी खाली न्यायिक मांगनी है और कोई हमारी ज़्यादा डिमांड नहीं है। और मैं आगे बताना चाहूँगा कि ये सब रैलियाँ वगैरह निकलने के बाद में सरकार से भी बहुत अच्छे तरह से जो रिस्पॉन्स मिला है, जो शिखर जी के बारे में जो अच्छी तरह से हमें कमलेश भाई जी बताएंगे, और पालीताना के अंदर भी हमारे माननीय गृह मंत्री हर्ष भाई संघवी ने 2 दिन पहले 3 दिन पहले जाहिरात किया है कि एक टास्क फोर्स का गठन हो जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो आपने सराहनीय कदम उठाना शुरू किया है, जल्द से जल्द उसको पेपर पे दीजिए, हमको बताइए कि आप उसमें क्या करना चाहते हैं। वैसे उन्होंने अंदाज दिया है कि उसमें 5-6 जो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको उसमें साथ में रख के हम चाहते हैं कि उसमें एक नोडल ऑफिसर की भी वर्णी की जाए, और वो नोडल ऑफिसर जो भी डिपार्टमेंट में जो भी तकलीफ, जैसे वहाँ कुछ भी होती है, हमने जो कंप्लेंट की ऐसा कुछ भी अवैध कार्य होता है तो कंसर्न डिपार्टमेंट में हमारी बात ले जाके उस चीज़ को बंद करवाए। और मुख्य रूप से आप जितनी भी बातें हैं वो सबको देखेंगे तो ये तीर्थ को पवित्र रखने की बात है और कुछ भी हमारा पर्सनल डिपार्ट कुछ भी नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री ने और गृह मंत्री ने बार बार हमारे से ये पिछले 5-6 दिन में अलग अलग मीटिंग की है और अलग अलग बातें जिस हिसाब से हमें मिली है, तो हम सरकार के एकदम आभारी है कि वो लोग ठोस कदम उठाने की दिशा में है। लेकिन अभी लोगों की जो धीरज है वो कम हो रही है कि इतने दिन हो गए, तो हम खास ये कहते हैं कि जल्द से जल्द ये कार्य संपन्न हो जाए, ये हमारी डिमांड है। प्रणाम। जो न्यूज आए थे जो समित शिखर जो जैनों के परम आदरणीय परम पवित्र तीर्थ है उसके ऊपर जो बहुत जैनों की बहुत सारी तकलीफें थी और डिमांड जो लोगों की थी, जैनों हमारे भगिनी बंधुओं की और साधु भगवंतों की, कि उसके ऊपर जो अभी नया नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन के अंतर्गत उसको पवित्र उसको टूरिज्म डेवलपमेंट प्लेस डेवलप किया जाए, वो नोटिफिकेशन का की आपत्ति सरकार श्री के समक्ष रखी थी और काफ़ी दिन से उसके ऊपर एक एजिटेशन चल रहा था। हमारे कुछ श्रावक भाइयों और गुरु भगवंतों उसके ऊपर अनशन पे भी बैठे थे। उसका संज्ञान लेके जो सरकार श्री ने कल जाहरात किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब और भूपेंद्र जी यादव जी ने जो कल एक ऑफिस नोटिफिकेशन जाहिर किया है, वो ऑफिस ऑर्डर के जरिए कि उसकी जो सेंसिटी है, उसकी जो पवित्रता है, पूरा पारसनाथ हिल की, वो पारसनाथ हिल को रिकग्नाइज किया है, पूरा विश्व में जैनों का पवित्र पूजनीय स्थल है उसने रिकग्नाइज किया है उसमें। और उसके बाद में उसके ऊपर जो भी इको टूरिज्म और टूरिस्ट डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ है वो एक्टिविटीज़ नहीं की जाएगी, ऐसा भी ऑफिस ऑर्डर में बताया गया है। तो जब तक वो बात है तब तक हम संतुष्ट हैं। हमारी ये भी भावना है कि ये जो तीर्थ है वो तीर्थ परापूर्व से अकबर बादशाह के समय से बाद में उसके जो डिसेंट्स थे कि जहांगीर है, औरंगजेब है, मुराद बख्श है वगैरह ने भी जैनों को डेडिकेट किया था समर्पित किया था ये तीर्थ, वो तीर्थ उसके बाद में जब पालगंज के राजा से भी जैनों ने खरीदा था तो जैनों की ओनरशिप है वो तीर्थ के ऊपर।
वो तीर्थ के ऊपर अगर जैनों की ओनरशिप है तो जैन रिचुअल्स के हिसाब से उधर वर्तन होना चाहिए। ये हमारी सरकार श्री को विनंती है, जैसा कोई मक्का मदीना है तो वो धर्म के लोगों के हिसाब से उधर रिचुअल्स होता है, उधर वर्ता होता है। कुछ चर्च है तो वेटिकन का हिसाब से, आज अयोध्या है तो राम मंदिर, तो राम भगवान के जो रिचुअल्स है, हमारे हिंदू भाइयों बहनों के रिचुअल्स है वो हिसाब से होता है। तो वैसे ही हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि ये पूरा तीर्थ है तलेटी टू टॉप पवित्र है और जैनों की आराध्य भूमि है। कौन कौन से अनेक आत्माओं मोक्ष गमन किया है, सल्वेशन अचीव किया है, तो उसको जैन के पवित्र यात्रा धाम, प्लेस ऑफ वर्शिपिंग फॉर द जैन्स जाहिर किया जाए तो ये जैनों को पूरा शांति मिलेगा और उसको पूरा सेटिस्फेक्शन होगा। हालांकि ये जो एक्शन लिया है उसकी भी हम सराहना करते हैं और ये एक्शन आया तो भी हमें श्रद्धा है, विश्वास है कि आगे भी आएंगे। और ये आपके माध्यम से सरकार श्री से एक निवेदन करना चाहते हैं कि ये प्लेस को पूरा पारसनाथ हिल को जैनों के पवित्र यात्रा धाम आपने डिक्लेयर किया, अभी प्लेस ऑफ वर्शिपिंग फॉर द जैन्स एक आप उसका दर्जा दे दीजिए तो उधर जैन के टेनेट से रिचुअल से उसके अगेंस्ट एक्टिविटी नहीं होगी, प्रोहिबिट हो जाएगी और उधर का इको बैलेंस भी हो जाएगा, उसका एक इको सिस्टम बेटर हो जाएगी, पर्यावरण भी अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी विनंती है। और ये जब दूसरी बात जो है, अभी आप खाली मैं आपको एक मिनट दो मिनट में बता दूं कि ये जो गिरिराज की बात है, हमारे शत्रुंजय गिरिराज जो पालीतना में है गुजरात स्टेट में, उसके लिए ऑलरेडी 2021 अगस्त में ऑर्डर आया था गुजरात हाईकोर्ट का और वो गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर में एक क्लियर कट ऑर्डर पास किया गया है। उसमें लिखा है कि जो पूरा गिरिराज पवित्र है, जैनों के लिए आराध्य है तलेटी टू टॉप, और उसके लिए उसका पूरा गिरिराज के ऊपर, पूरा शत्रुंजय हिल के ऊपर जैन रिलीजियस के अगेंस्ट उसकी जो टेनेट्स है, उसका सिद्धांत है, उसके प्रिंसिपल है, उसके अगेंस्ट कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो हमारा सरकार श्री से वही अनुरोध है ये स्टेप, ये माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आप जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्य रखा है, वो ऑर्डर के मुताबिक हमारा जो धार्मिक अधिकार है उसकी रक्षा कीजिए और उसके लिए एक अच्छी टास्क फोर्स आप बना रहे हैं। वो टास्क फोर्स को आप इतना पावर दे कि ये सब जो इलीगल एक्टिविटीज चलती है वो कर्ब हो जाए, उसका एंड आ जाए। थैंक यू। सॉरी, या थैंक यू, गुड क्वेश्चन सर। ये अगर देखिए, हमको पूरा श्रद्धा है, जैसा ये समित शिखर का हो गया, एक कैसे तक कह सकते कि पूरा नहीं हुआ लेकिन फिर भी वो अच्छा हुआ, तो वैसे शत्रुंजय का भी होएगा, गिरिराज पालीतना का भी होएगा। सरकार श्री ने अभी तक जो संज्ञान लिया है और जो स्टेप लिए हैं उसके ऊपर से श्रद्धा है कि वो जरूर हो जाएगा। अच्छा, अभी जो नहीं हुआ बाय चांस, तो हम हमारे जो गुरु भगवंत है, आचार्य भगवंत है, उससे मार्गदर्शन लेंगे और उसके मार्गदर्शन के आधार के ऊपर, उसके मार्गदर्शन के लेके आगे की रणनीति नक्की करेंगे क्या करना है। राइट सर, नहीं देखिए, मंगल प्रभात जी लोढ़ा है और हमारे पराक्षा है जो जैन्स के MLA हैं और ये कोटक मनोज कोटक साहब है, ये इधर के या और इसके जो आपके कौन है, गोपाल शेट्टी जी हैं वगैरह, उसके थ्रू, उसके जरिए हमने ऑलरेडी प्रेजेंटेशन दिया है और वो लोग ने वो प्रेजेंटेशन आगे फॉरवर्ड किया है। और दूसरी बात है कि हमारे साइड से भी हमने ऑलरेडी मुख्यमंत्री श्री की अपॉइंटमेंट मांगी है, वो कुछ कारण से अपॉइंटमेंट अब तक नहीं मिली है, लेकिन हम अपने हमारे जो समस्या है उसकी रजूआत तो ऑलरेडी कर चुके हैं और अभी जब अपॉइंटमेंट मिलेंगे तो और ढंग से तरीके से प्रॉपरली हम उसके साथ रजूआत करेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया, खुद हमने ही बताया कि ये एक शुरुआत अच्छी है, जो
अभी जो ऑर्डर आया है, जो ऑफिस ऑर्डर निकला है, उसमें ऑलरेडी रिकग्नाइज किया है कि जैनों का परम पवित्र स्थल है और पूजनीय स्थल है। अभी हमारी जो उसके आगे की जो बात है कि उसको जाहिर करना चाहिए कि सेक्रेट प्लेस फॉर द जैन, वर्शिपिंग प्लेस फॉर द जैन, वो एक हमारी मांग है। तो उसके लिए हमारे जो आगेवान है, लीडर्स है, गुरु भगवंत है, वो सरकार के साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपनी बात रखेंगे और श्रद्धा है कि वो भी हो जाएंगे। जब ये ऑलरेडी रिकग्नाइज हो गया तो उसका मतलब ये है कि ऑलरेडी सरकार ये बात से सहमत है। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, आपने जो बोला तो अभी भी आज भी चेन्नई में जो रैली निकली थी उसके अंदर चारों फिरका के लोग थे, तो इसका मतलब नहीं। अभी देखिए, अभी जो रैली दो कारण से थी, एक शिखर जी और दूसरा था शत्रुंजय गिरिराज पालीतना। शिखर जी का प्रश्न बहुत अच्छी तरह से सोल्व हुआ है, ठीक है, पूरा सोल्व नहीं हुआ है लेकिन अच्छा प्रोग्रेस है। अभी पालीतना का मैटर बाकी है, उधर से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो आ जावे एक टास्क फोर्स की फॉर्मेशन हो जावे और टास्क फोर्स फुल प्रूफ बन जावे कि ताकि ये जो जितने मिनस है, जितने दूषण है वो दूर हो जावे, उसके लिए उसको पावर दिया जाए, तो ये ऑटोमेटिक जो एजिटेशन है बंद हो जाएगा। देखिए, जो हमारे परमात्मा के जो चरण पादुका है उसको खंडित किया गया है, तो उसके लिए ऑलरेडी दो लोगों की अरेस्ट हुई है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू है, और दूसरे जो कुछ लैंड ग्रैबिंग वगैरह हैं उसके लिए भी दो लोगों की अरेस्ट हुई है, कुछ चार या पांच लोगों की अरेस्ट हुई है, और लैंड ग्रैबिंग में जो इन्वॉल्व थे उसको पुलिस कस्टडी में अभी 5 दिन की, तो उसके ऊपर सरकार ऑलरेडी एक्शन ले रही है। और दूसरे कि हमने भी समय समय पे सब सबूत दिए हुए, एविडेंस रखे हुए हैं, तो उसको स्टडी करके जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज है एक्शन लेगी, और जब तक कोई ठोस टास्क फोर्स या ऐसा कोई भी फॉर्मेशन नहीं होगा जिसको गवर्नमेंट से आदेश दिया जाए कि आपके ऊपर ये पर्टिकुलर इश्यूज के ऊपर एक्शन लीजिए स्पेसिफिक, तब तक वो काम थोड़ा स्लो चलता रहेगा। जो भी शराब का है, दारू की भट्टी है, जैसे कि लिकर ट्रेडिंग से या माइनिंग से, उसके लिए ऑलरेडी अभी एक्शन लिया गया है। अभी ये एजिटेशन हुआ तो एक्शन में आए हैं लोग, उसके जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स, और अभी उसको बंद करने के, अभी शराब का भी ये जो एजिटेशन हुआ उसके बाद में बंद हुआ है। अभी हमारा जो बात है वो ये कि टेम्पररी बंद होता है, अभी परमानेंट बंद होना चाहिए, वो एक डिमांड है कि परमानेंट बंद कब होगा, कि रो पुलिस को फोन करो, पुलिस जाएगी बंद कराएगी, 4 दिन में चालू होगा, वो नहीं होना चाहिए। बात ये कि आप टास्क फोर्स बनाइए, उसको पूरा पावर दीजिए, उसमें हो सकता है तो हमारे जैन कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कीजिए, और प्रॉपर लोगों को इन्वॉल्व करके आप देखिए कि उसका लॉजिकल एंड तक पहुँच सके, उसका सोल्यूशन वो होना चाहिए, और वो सरकार ही कर सकती है, और श्रद्धा है कि सरकार करेगी। और अगर नहीं होगा तो हम जैसे हमारे गुरु भगवान का मार्गदर्शन लेके आगे की रणनीति नक्की करेंगे। देखिए, इसमें तीन मेजर तीन बॉडी है, तीन या चार बॉडी है, एक सेठ सिंह आनंद जी कल्याण जी की पेढ़ी है जो ऑलरेडी कार्यरत है और टाइम टाइम पे एक्शन लेती है, जब जब कोई भी कंप्लेन देखा या कोई भी इनिगल एक्टिविटी देखी तो इमीडिएट कंप्लेन करते हैं और देखते हैं कि वो कंप्लेन सोल्व हो गया, वापस चालू होते वापस कंप्लेन करते हैं, सिलसिला चालू है।
आज अभी अहमदाबाद का महासंघ है, जैसे बॉम्बे का संघ संगठन है वैसे ही अहमदाबाद का महासंघ है, वैसे सूरत का भी है। तो बॉम्बे, अहमदाबाद, सूरत और भारत के अलग अलग स्टेट के या अलग अलग सिटी के महासंघ है, वो सब बॉडी अभी एक साथ में होके, एक फेडरेशन होके ये बात को सरकार तक लेके जाएगी। अगर ये स्टेज पे इतना प्रेजेंटेशन के बाद सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो नेक्स्ट स्टेप में वो हो सकता है कि ये सब मिलेंगे, क्योंकि हम जितना एक्टिव है बम्बई से उतना ही एक्टिव अहमदाबाद का महासंघ भी है, सूरत भी, और वो नेचुरली गुजरात स्टेट में आया है तो वो उसका एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो हम लोग सब साथ में काम कर रहे हैं। देखिए दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है आपका सवाल, कि सरकार के कुछ लोग होंगे तो सरकार नहीं सुनेगी, नहीं होंगे तो सुनेगी, वो तो है, लेकिन अभी ये बात आज की डेट में ये है कि जब कंप्लेंट दिया है तो एक्शन आता है, वापस क्यों नहीं आता है? क्योंकि कोई ना कोई बीच में वैसा एक कोई एजेंसी काम कर रही है या कोई इंडिविजुअल काम कर रहा है कि जो इसको प्रमोट कर रहा है। तो अभी सरकार श्री का काम है कि उसको फाइंड आउट करे और उसके ऊपर एक्शन लेवे। हमने तो हमारी बात रख दी है और अभी इन्वेस्टिगेशन किस कौन करेगा? सरकार करेगी। तो वो आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये कि वो सरकार इन्वेस्टिगेशन करके वो फाइंड आउट करे कि हु इज हैंड इन ग्लोव। सतीश